हरिओम, जय गुरुदेव। आज 1 दिसंबर को गुजरात चुनाव में मतदान शुरू है। कांग्रेस जैसी हिंदू विरोधी पार्टी के लिए तो चुनाव में बाजी मारना असंभव बताया जा रहा है, वहीं भाजपा के लिए भी इस बार आसान नहीं है सत्ता हासिल करना। भाजपा के हिंदुत्व विरोधी रवैये से नाराज ऐसे कई छोटे दल चुनाव में उतरे जो जीते ना जीते किंतु भाजपा की जीत को मुश्किल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर धर्मरक्षा दल जैसे कई संगठन भी है जो नोटा बटन दबाने का जोर शोर से प्रचार करने में लगे हुए। राष्ट्रभक्तों की नज़र में कांग्रेस तो एक देशद्रोही पार्टी है ही, किंतु भाजपा भी सत्ता हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने में लगी है, ऐसी चर्चा है और ऐसे कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे दल अब उभर कर सामने आए हैं जो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का नाम लेकर उनकी रिहाई के लिए प्रयास करेंगे ऐसा आश्वासन दे रहे हैं। इसलिए हमने इस विषय में संत श्री आसाराम जी आश्रम मुख्यालय से बात की तो उन्होंने कहा कि आश्रम द्वारा किसी भी दल के विरोध में अथवा किसी भी दल के समर्थन में किसी भी तरह का कोई संदेश जारी नहीं किया गया है। हम तटस्थ है, निष्पक्ष है, सभी मतदाता साधकों को मतदान करना ही चाहिए, किंतु किस उम्मीदवार को मत देना है उसका निर्णय स्वयं मतदाताओं को अपने विवेक से करना चाहिए, इस प्रकार का एक संदेश हमने जरूर जारी किया है। ये बात भी उन्होंने कही है। मैं मानव बुद्धदेव आप तक केवल खबर पहुंचा रहा हूं, मैं स्वयं भी किसी दल के समर्थन में अथवा विरोध में नहीं हूं, मैं भी एक निष्पक्ष होकर तटस्थ रहकर आपको ये सब खबरें पहुंचाता रहता हूं। आइए सुनते हैं धर्म रक्षा दल को किसी पत्रकार बहन के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ धर्म रक्षा दल के संरक्षक महोदय जुड़ चुके हैं, राधाकांत वस्त जी। अभी हमने गुजरात के बहुत सारे वायरल पोस्टर्स हमने देखे जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें धर्म रक्षा दल नोटा को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। और यही धर्म रक्षा दल है जो कि 2014 में कांग्रेस के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता तक पहुँचाने का कार्य भी इस संगठन ने किया था। तो अब आपने नोटा को क्यों चुना? नोटा एक ऐसा हथियार है जो कि अगर नहीं मानेंगे, हमने माना, जैसा आपने प्रश्न किया कि हिंदुत्व की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया और आज यहाँ तक पहले से दिनों दिन 2 बार सत्ता आई और अधिकाधिक सीटें प्राप्त हुई, उसका परिणाम भी निकला। लेकिन जहाँ तक गाय की बात और संत की बात आ रही है तो गाय और संत बीजेपी ने दोनों ही अवहेलना कर दी है। उसका एक प्रमाण मैं ये दे रहा हूँ कि बीजेपी में पहले एक गोवंश प्रकोष्ठ हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी ने गोवंश प्रकोष्ठ को भी समाप्त कर दिया। इसका मतलब ये है कि गाय की महत्ता नहीं है। अब जब हम आपको सम्मान दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, सीटें बढ़वा रहे हैं, अरे एक वो समय था जब 2 सीटें थी आपकी, संतों का ही साहस था, आशीर्वाद था, संघर्ष था जो कि आज 300 से ऊपर सीटें लिए बैठे हैं आप। और उसके बावजूद भी अगर आप नहीं सुनेंगे तो संत तो संत है, किसी का गुलाम तो होता नहीं है ना किसी लोग लालच में, इसलिए अब नोटा को भी बढ़ावा देंगे 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 जी। एक और पोस्टर है आपका कि संतों को जेल और ईसाई पादरियों को बेल, इस प्रकार से पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस जो ये सृष्टि है इसकी आयु 4.5 अरब वर्ष है। 4.5 अरब वर्षों में जितने राजा हुए अभी तक संत और ब्राह्मण और गाय सबके लिए अवत्य और पूज्य रहे, लेकिन स्वतंत्र भारत में, तथाकथित स्वतंत्र भारत में संतों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, माने शंकराचार्य जी को जेल, आसाराम बापू जी को जेल, अन्य अन्य संतों को जेल, पादरियों को छूट, अगर ये सब स्थिति रहेगी तो किसी क्रांति होगी और क्रांति बड़ी भयानक क्रांति हम होंगे।